नमस्कार आप सभी डायमंड्स का और हमारे आदर्श आइडियल का। बाकी में हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि 5 अक्टूबर को कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, नई रणनीति हम लोगों को मिलेगा एकदम ऐसा रॉकेट के माफिक उड़ने का। तो आज हम लोग 5 अक्टूबर को यहाँ पर आ भी गए और वो सब कुछ मिल चुका रॉकेट जैसा उड़ान भरने के लिए। सर ने स्टार्टिंग में ही आते ही सबकी मन की बात बता दिया, माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर जी ने, सुलेमानी कीड़ा। तो वो तो बिल्कुल जड़ से ही निकल गया। शुरुआत सर ने वहां से किया था, लेकिन सर ने जो 10x कंप्लीट किया तो सुलेमानी कीड़ा तो कब का भूल गए और अब दिमाग में कुछ और ही सेट हो गया। अब तो कुछ और ही सेट हो गया। विश्वास करें, मैंने अभी तक हर मीटिंग में, हर फंक्शन में ये बात बोलते आ रहा था कि 2021 का जो सत्र है, 20 और 21 का सत्र है, मैंने अपने आप से, अपने टीम के दम से कमिटमेंट किया हुआ था कि मेरे 501 डायमंड कंप्लीट हो जाएंगे, 501 डायमंड कंप्लीट हो जाएंगे। वो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि मेरे 100 डायमंड कंप्लीट होने जा रहे हैं और मैं जो देख पा रहा हूं, विश्वास करें, यहां से तो सब कुछ मिल गया है। सर ने बिल्कुल सरल तरीके से बताया है कि कितना जल्दी हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इनकम ले सकते हैं। और अभी सर ने बहुत सारे लोगों को, कार वाले का फोटो खिंचवा रहे थे कि इन्होंने प्रीमियम कार लिया है और हम सभी लोग गर्व से सीना तान कर बता रहे थे कि हम प्रीमियम कार वाले हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है आने वाले समय में जो है ना, ये सारे अचीवमेंट रेड कलम में होने वाला है, रेड कलम में होने वाला है। ये उस जगह पर ये लोग नहीं रहेंगे, रेड कलम के लोग रहेंगे। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी लोग कहां रहेंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे टीम के लोग इस बात को जानते हैं, मैं हमेशा हेलीकॉप्टर की बात किया करता था और चार्टर्ड प्लेन की बात किया करता था। कुछ लोग हंसी मजाक में भी उड़ा देते थे, कुछ लोग पता नहीं धीरे धीरे आपस में बात भी करते थे, यहां बैठे भी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन कहते हैं ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। मुझे नहीं मालूम था यह हेलीकॉप्टर और वो चार्टर्ड प्लेन कैसे आएगा, लेकिन वो रास्ता जब भरोसा था, विश्वास था, ये सब कुछ दिखने लग गया है। तो मैं एक ही बात आखिरी में कहना चाहूंगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जिस ग्रुप में हैं यहां पर, रॉयल ड्रीमर्स टीम, जिस ग्रुप में हैं, आप यकीन करें इस ग्रुप में होना ही आपकी सक्सेस, कामयाबी की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। इस ग्रुप में होना ही गारंटी है। साथ में विनती है आप लोगों से, बहुत सारे लोगों के मन में सर ने बोला वो किरा आ जाता है कि मैं भी अपना ग्रुप बना लूंगा, मैं भी अपना ग्रुप बना लूंगा, मैं भी अपना ग्रुप बना लूंगा और उसका मुखिया मैं बनूंगा। अरे जब ग्रुप बन गए तो मुखिया तो आप रहेंगे ही रहेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन आंखों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, इन 15 साल के जर्निंग में इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बर्बाद होते हुए, मिटते हुए भी लोगों को देखा है। लेकिन जो एक जगह जमे रहे, एक ग्रुप में बने रहे, आज वो ऊंचाई पर और बुलंदी पर हैं, ऊंचाई और बुलंदी पर हैं। आप इसी में अपना मुकाम ढूंढो, इस ग्रुप में अपना मुकाम ढूंढो कि मैं नंबर 1, मैं नंबर 2, मैं नंबर 3। मैं तो कहता हूं कि रॉयल ड्रीमर्स टीम में टॉप 10 होना भी बहुत बड़ी बात है, टॉप 20 होना भी बहुत बड़ी बात है, टॉप 25
हमें आज दुनिया उदाहरण देती है रॉयल ड्रीम स्टीम की कि ये लोग अपलाइन है या क्रोलाइन है, पता ही नहीं चलता किसी को, किसी को पता नहीं चलता है। लोग शक में होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि जिस यूनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं, विश्वास करें ये यूनिटी हमेशा बनी रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये यूनिटी हमेशा कायम रहेगा। धन्यवाद। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये हमेशा बरकरार रखेंगे और हम लोग आपके अधीन है, जैसा कहेंगे वैसा। जी सर, यस सर, जी सर।